नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं, लेकिन पहले बात होगी मुद्दे की। मुद्दा क्या है? मुद्दा वो जो आप तक पहुंचना जरूरी है, मुद्दा वो जिसे लेकर गांव में, खेत खलियानों में, चौक चौराहों पर चर्चा होती है, क्योंकि ये बिहार की राजनीति है। बिहार की राजनीति पल पल बदलती है। बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। देखिए, हमारे साथ कई मेहमान हैं, हम चर्चा करा दें, परिचय करा दें। पहले ज्ञानेश्वर जी हैं, संजर्नलिस्ट हैं। देवज्योति जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीआईपी पार्टी के। हमारे साथ राजेश तिवारी जी हैं, जेडीयू नेता हैं, सब प्रखर वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। राजेश तिवारी जी का बहुत स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो, सर्वे सर्वा, विकासशील इंसान पार्टी के सर्वे सर्वा। निषाद संकल्प यात्रा लेकर जब चले हैं, गाँव में घूम रहे हैं, जिलों में घूम रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास 10% वोट है। देखिए, बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई थी, उसके बाद भी मुकेश सहनी का दावा है कि उनके पास 10% वोट है, हमें बंटना नहीं है। और जब उनके 4 MLA थे 2020 में जो जीत के आए थे, जो बाद में बीजेपी की ओर चले गए, अगर वो जब उस वक्त थे तो उतना ही ताकत था उन 4 MLA का जितना उन 74 का था, यानी कि जो एनडीए की सरकार बनी थी बीजेपी के साथ वो तुलना कर रहे थे। लेकिन बिना मुकेश सहनी के कोई सरकार नहीं बनी है। मुकेश सहनी के वोट के बिना, मुकेश सहनी की ताकत को साथ लिए बिना किसी की सरकार बिहार में नहीं बनी है। और मुकेश सहनी बनेंगे तो डिप्टी सीएम, मुकेश सहनी इस बार डिप्टी सीएम बनेंगे, ये दावा किया है। लोगों का साथ होने चाहिए और लोगों के साथ के लिए वो घूम रहे हैं। हम ज्ञानेश्वर जी के पास आएंगे जब चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं। पहले देवज्योति से शुरुआत करते हैं, आपके नेता। मैं आपके सवाल में तड़का मार देता हूं, आपको ज्यादा सहूलियत होगी कि आपने कहा कि मुकेश सहनी जी ने कहा है कि वह डिप्टी सीएम बने, नंबर 2 वही रहेंगे, ठीक है। हाँ। तो उन्हें इस बात का आश्वासन किनसे मिला है, जरा यह भी समझिएगा देवज्योति जी से, क्योंकि नहीं। और देखिए, दूसरा सवाल यह भी समझिएगा, क्या इस बात की गारंटी है कि मुकेश सहनी जी इंडिया ब्लॉक में ही बने रहेंगे? क्योंकि देखिए, चर्चाएं होती रहती है और मुकेश सहनी जी भी सीटों का जब बार्गेनिंग करते हैं, सीटों की बार्गेनिंग करते हैं, तो कभी इधर कभी उधर दिखाई जाता है। और तीसरी बात जो वह कह रहे हैं कि 4 हमारे 74 के बराबर थे, तो कहां मुकेश सहनी बनाया, तो कहां मुकेश सहनी जी कमजोर पड़ गए कि ये 4 जो उनके रहे ही नहीं रहे। नहीं, अपनों पर विश्वास नहीं रहा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये डिप्टी सीएम बनने वाली बात आज कोई नई नहीं है। आप उस वक्त थे, मौर्या होटल का प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, ज्ञानेश्वर जी आपको भी याद है, सभी को याद है यहाँ लोगों को, जब डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब था, वो ख्वाब चूर हो गया था। ख्वाब है, आज अभी भी ख्वाब है, उस वक्त चूर हो गया था, गठबंधन भी चेंज हो गया था। अब डिप्टी सीएम बनेंगे, इतना वोट है, इतनी ताकत है। ये 2020 की जो घटना घटी होटल मौर्या में, जिनके साथ जो घट गई उस पर लेके हम बहुत ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन 2020 में ही हमारे आदरणीय नेता सर्वपल्ली मुकेश सहनी जी को अगर मुख्यमंत्री उस मौर्या होटल में घोषित कर दिया जाता तो आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता विरोधी दल नहीं बिहार के मुख्यमंत्री होते। आप मानते हैं? 100% मानते हैं। आज हम 9.65% 10% में जातीय जनगणना, सरकारी जातीय जनगणना, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो जातीय जनगणना है उस आधार पे हम दावा मल्ला की बात कर रहे हैं। 9.65% जी निषाद की बात, निषाद की बात कर रहे हैं। 9.65% की ताकत हम रख रहे हैं। जो हम लोग का जो जातीय जनगणना हम लोगों ने कराया था उसमें हम लोग 14.5% है, बहुत जगह छूटा हुआ है। सरकार जल्दीबाजी में हो सकता है कि बहुत जगह छोड़ दी है, लेकिन हम सरकारी जातीय जनगणना के आधार पे हम बात कर रहे हैं कि हम 9.65% का बिहार में 12 करोड़ महान जनता है, उसमें से 9.6% आबादी की हमारी ताकत जो है 9.65% है, 9.65% जहां जाएगा। ज्योति जी, एक सवाल आपसे हम लेना चाहते हैं। आप कह रहे हैं 9.65%। देखिए, इस बात का जवाब ज्यादा बेहतर देंगे जेडीयू वाले कि आप कह रहे हैं कि यह जनता हमारी है, यह वोट हमारा है, तो सबसे बड़ा यह सवाल पैदा होता है कि आपके उम्मीदवार क्यों हार जाते हैं और एनडीए के उम्मीदवार जो मल्ला होते हैं, जो निषाद होते हैं, वह चुनाव कैसे जीत जाते हैं? जब आपकी ताकत इतनी बड़ी है तो जीत आपके खाते में आनी चाहिए, लेकिन जीत आपके खाते में नहीं आती। हमने अभी ही देखा, आप ही के नेता मुकेश सहनी जी की पाठशाला के छात्र राजभूषण चौधरी निषाद, जब उन्होंने अपने गुरु से बगावत कर दी, बीजेपी में शामिल हो गए, तो वे चुनाव जीत गए, मंत्री बन गए, लेकिन
अजय निषाद को मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर में चुनाव नहीं जीतवा पाए और जिन तीन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा बीआईपी पार्टी वहां भी हार ही मिली जी। आप सीधा सीधा जो है अभी हम लोगों ने बुचाहा में भी चुनाव लड़ा जी। नहीं आप, आप हम बता रहे हैं हम फिर उसी हम हाँ, फिर उस पे आ जा रहे हैं। हम राजभूषण निषाद जी पे भी आएंगे वो किस तरह से जीते क्या जीते कैसे जीत गए क्या जीते एक मिनट बता रहे हैं। हम बुचाहा में हम चुनाव जीते, बुचाहा चुनाव जब हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरह से बहन बेबी कुमारी जी बेबी कुमारी मतलब टिकट के लिए मारामारी हो गया कि बुचाहा से किसी तरह से बेबी कुमारी को टिकट देके वो सीट हम लोग भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे थे क्योंकि हमारा जीता हुआ वीआईपी का जीता हुआ सीट था, मल्लाहों का ताकत से जीता हुआ सीट था। उसके बाद भी हम लोग 31,000 से ऊपर वोट बुचाहा में लाए, जीते नहीं हरा दिया बीजेपी को। जीत हार अलग चीज है वो अलग है, लेकिन हम हमने हमारे हमारे आदरणीय नेता ने सनोपला मुकेश सहनी जी ने अपनी ताकत को दिखाया कि हम 31,000 वोट लाने की नहीं ताकत ठीक है। देखिए ताकत ठीक है लेकिन ताकत से आप किसी को हरा सकते हैं, लेकिन आपका सपना है कि हम डिप्टी सीएम बन जाएंगे तो डिप्टी सीएम बनने के लिए तो जीत हासिल होनी चाहिए, सीट देनी होगी। सर एक एक वोट की कीमत है, एक एक वोट आज मात्र 4 सीट जेडीयू वाले मान रहे हैं, आज 4 सीट अगर आदर की बात करें क्या एनडीए वाले मान रहे हैं कि मल्ला इनके साथ ही हैं? आपको लगता है कि जिस तरह से मल्लाहों का वोट पहले आपके साथ था एनडीए की तरफ मुकेश सहनी थे अब तो वो उधर चले गए हैं तो इस बार आप लोगों को नुकसान हुआ ना चुनाव में? हम नमाज देवबंदी के एक शेर से शुरू करना चाहते हैं, जो पहुंच गए हैं मंजिल पर उन्हें नहीं है नाजे सफर, जो 2 कदम चले नहीं वे रफ्तार की बात करते हैं। अच्छा 2 कदम चले ही नहीं है जी ने? जिस पार्टी को 4 नवंबर 2018 को स्थापना हुआ आज 6 साल लगभग हो चुका है। आप इतिहास देख लीजिए, अगर एक कार्यकर्ता एक शुरू से नेता अगर जो वो भविष्य में पार्टी बनाता है सीट कम बेस हो लेकिन आगे चलता है, जैसे माझी जी को आप देख लीजिए 1 सीट पर लड़े जीते, नहीं 2-3-4 डिमांड की लोकसभा की बात कर रहे हैं लोकसभा के, या कोई भी एक पत्रकार होता है जो आगे चलकर अगर वो चैनल बनाता है तो चलाता है वो 50 लाख 60 लाख बिलियन चल जाता है, लेकिन अगर एक ठेकेदार अगर चलाता है नहीं आप ठेकेदार बोल रहे हैं ठेकेदार बता रहे हैं अगर ठेकेदार अगर चैनल चलाता है तो नहीं चलता है। अच्छा एक सेट डिजाइनर अगर चलाता है तो क्या स्थिति होता है किसी से छुपा हुआ नहीं, आप इस 6 साल का इतिहास देख लीजिए। नहीं आपने ठेकेदार किसको कह दिया? नहीं किसी को भी जो हाँ। जो अगर उस फील्ड में अगर परफेक्ट ना हो हाँ। अगर बिजनेस पर्पस से हाँ। उपलब्धि पर्पस से कि हम किसी तरह से नेता हम कहाँ है उस पर्पस से अगर सालों साल में मुकेश सहनी को ठेकेदार करना चाहते हैं हम नहीं कर रहे हैं। आप छोड़ दीजिए पीछे का पिछला चुनाव हुआ 2020 में जो लोकसभा चुनाव 19 में जो लोकसभा चुनाव हुआ आप देखे होंगे कि अभी की जो लोकसभा चुनाव हुआ इस लोकसभा में देखिए 3 सीट पर लड़े वो इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं थे, किससे गठबंधन हुआ इनका तो राजद से, राजद अपने कोटा में से 3 दिया जे, जे। और उस 3 सीट को देखिए मोतिहारी गोपालगंज मधुबनी वहां राजद कब के जीता हुआ है आपके पास नेतागिरी का सेंस नहीं है, आपके पास ये नहीं है कि हम 1 सीट भी लें तो हम उसे जीते, अगर हम क्यों नहीं लड़ेंगे जो हम नेतृत्व करने वाले हैं हम पार्टी का नेता है तो हम क्यों नहीं आपके साथ जीते थे आपके साथ थे अरे किसके बदौलत जीते थे उनके और कैंडिडेट किसका था? नहीं 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 राजेश जी 2014 में आपके नेता नीतीश कुमार भी 2 सीटों पर आ गए थे याद है ना एकदम है याद है सर, वो 2 सीट अपने बल पर उनके नेतृत्व में लड़ा गया था और वो आए थे, लेकिन यहाँ तो इसके बाद आप हारे इनका कैंडिडेट और क्या हुआ? नहीं ये मानते हैं ना कि मुकेश सहनी बिहार में मल्लाहों के सबसे बड़े नेता हैं? आप उदाहरण सर हम अभी समस्तीपुर लोकसभा के अंतर्गत और हायाघाट विधानसभा में के प्रभारी थे और एनडीए की ओर से और जहां वो हायाघाट विधानसभा और दरभंगा जिला का पार्ट है जहां मुकेश सहनी जी का गृह जिला है वहां 99% मल्लाह समाज एनडीए के साथ आप परेशान क्यों रहते हैं एनडीए वाले की मुकेश सहनी में? हम कहां परेशान? अच्छा हमारे और कोई नेता का बिहार में 2 लाख
से ऊपर से मुजफ्फरपुर जीते, 1,83,000 से ज्यादा से वोट से हम समस्तीपुर जीते। किसके बदौलत जीते? निषाद समाज के बदौलत जीते। अगर हमारे अंदर कमी नहीं है तो हम कहां से? और इनका देखिए, इनका नेता क्या हुआ, तो हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खिला रहे हैं। आज देखिए देव जी आपने कहा मछली नहीं खाएगा तो क्या पनीर बटर मसाला खाएगा? तो देखिए, पनीर भी दूध से बनता है, ठीक है, बटर भी दूध से बनता है, तो ग्वाला का बना हुआ नहीं खाएगा, वो भी खाएगा, वो भी खाएगा। खाने पीने के चीज में कभी भी किसी को प्रतिबंध नहीं करना चाहिए। अच्छा, और दूसरी चीज है खाने पीने दोनों में ना, खाने पीने दोनों में ना, हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी में समीक्षा करेंगे। अच्छा, शराबबंदी में खत्म करेंगे, शराबबंदी समीक्षा या खत्म? समीक्षा का मतलब आज के दिन में जो भी जो सरकार है, जो बोतल निकला था मिलके, वो अभी समीक्षा होगा कि जो बोतल जो पकड़ाया था पाउच का और ये सब का बोतल, उतना दूर मत जाइए। कहाँ पकड़ाया था? क्या बात कर रहे हैं, चर्चा नहीं हुआ था? पूरा मीडिया जान रहा है कहाँ चर्चा हुआ, शराबबंदी इसलिए कहाँ पाउच का बोतल, इसलिए निजी आरोप नहीं। राजेश जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, देव जी आप ये कह रहे हैं कि शराबबंदी की समीक्षा करेंगे, इसका मतलब आपकी पार्टी हमारी है, इसका मतलब ये आपकी पार्टी मानती है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, शराब हर जगह मिल रही है, शराबबंदी खत्म होने वाली है। सबसे ज्यादा प्रताड़ित आज के दिन में दलित महादलित और जितने भी अति पिछड़ा समाज का लोग है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, सबसे ज्यादा लोग तो जेल में बंद है। इसका मतलब और जमानत कराने वाला कोई नहीं है, ऐसे ऐसे लोग जेल के अंदर भी है। अब बड़ा लोग क्या है कि दारू पी रहा है उसको पुलिस पकड़, तो शराबबंदी तो खत्म हो जानी चाहिए ना, आपके पास कोई सबूत होना चाहिए। बिहार में शराबबंदी साहब है कहाँ? तो चौथा क्लास या पांचवा क्लास का बच्चा से पूछिएगा, बड़ा लोग शराब पी रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, उसको पता है। बड़े लोग का मतलब बहुत सारी बातें आते हैं, बड़े क्या है? हाँ। बड़े लोग पी रहे हैं, जीतनराम मांझी बोले, एसपी भी पी रहा है, जज भी पी रहा है, सब लोग पी रहा है। अरे 100% लोग शराबबंदी इस राज्य में सुपर फ्लॉप है। हर राज्य का जो राजस्व है दूसरा राज्य पैसा ले जा रहा है, 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ अभी तक हम लोग का 8 साल। इसका मतलब मुकेश सहनी को यदि मौका मिला तो शराबबंदी की समीक्षा होगी और शराबबंदी खत्म हो जाएगी। नेता कह चुके हैं खत्म हो जाएगी, शराबबंदी की समीक्षा करके हम लोग इस उसको खत्म करेंगे, खत्म करेंगे। देखिए वीआईपी कर रहा है राजेश जी, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं और वीआईपी भी कर रहा है, शराबबंदी खत्म करेंगे, आजादी के साथ अलायंस भी है। ये तेजस्वी यादव सोचे क्यों खत्म करेंगे भाई? आपको अगर है तो आप कह रहे हैं कि करोड़ों का राजस्व होने, आप गरीब पकड़ा रहा है, आप कितना गरीब पकड़ा रहा है, आप बड़ा बड़ा करोड़ों का राजस्व निकाल रहे हैं, लेकिन एक गरीब पकड़ा रहा है, जो छोड़ा है राजनीति करने का है कि इस पर गंदी राजनीति, लेकिन शराबबंदी अगर वैसा है तो मुकेश सहनी जी अपने लोग के बीच में पी करके दिखाए कि शराब सही है। ये गरीबों की बात करें तो राजेश जी इस बात को तो मानिएगा ना कि जो शराबबंदी में सबसे अधिक गिरफ्तारियां बिहार में गरीबों की ही हुई है, यह भी मानिएगा। और ये भी सर, ये भी है कि गरीब सबसे ज्यादा, अगर शराबबंदी नहीं थी तो सबसे ज्यादा गरीब मरते थे, नहीं मर रहे शराब में, चालू है वहाँ। अच्छा राजेश जी शराब की दुकानें हर गांव मोहल्ला और टोला में खुलवाया किसने था? किसको? नीतीश कुमार ने तो बंद कौन किया? नीतीश कुमार ने ना, जब हुआ बंद किए ना जी, नहीं लेकिन आप आदत तो आपने ही लगाई ना, आदत तो आपने ही लगाई ना, इसके मतलब ये हुआ कि आप ये चाह रहे हैं कि शराबबंदी हो, शराबबंदी हो। हाँ, हम लोग भी शराबबंदी का, हमारा नेता शराबबंदी का महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर लेकर के शराबबंदी का लागू किए और सभी दल समर्थन किए। अगर तो आपको लग रहा है कि कमी है
तो उसको आप उपाय कीजिए सुधारने का। आप आप एक आदमी को नहीं पता है कि यहाँ शराब बिकता, लेकिन सिर्फ मीडिया का आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं बात नहीं है। महात्मा गांधी तो कहते हैं कि सकारी रहिए, सकारी रहने के लिए बोले थे कि सकारी रहिए, स्वस्थ रहिए, मत खाइए। अब हम नहीं खाते हैं, आपके नहीं खाने का मतलब, आपके नहीं खाने का मतलब थोड़े क्या बोलता है, मीट मछली हम मानते हैं, हम नहीं खाते हैं। मीट मछली प्रतिबंध लगा दीजिए, मीट खाने वाले को जो किसी को खाने वाले को लगाने की जरूरत नहीं है, जहाँ प्रतिबंध लगाने इसलिए इस तरह का जो उनका ग्राफ दिखा रहे हैं अभी हाल ही में, एक मिनट उनका ग्राफ दिखा रहे हैं अभी हाल ही में। गणेश जी हम लोगों ने एक पोल कराया था, हम लोगों ने पूछा लोगों से जी, सबसे ग्राफ में डाउन आपका था कि आपकी पार्टी के लोग बनना नहीं चाह रहे हैं, आप में लोग कहाँ किसी को जोड़ रहे हैं, एक आलोक जी किसी को जोड़ रहे हैं आप लोग, ग्राफ कहाँ है? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब जानते हैं। देखिए हमारे जो कार्यकर्ता है, खासकर जदयू का जो अति पिछड़ा समाज है, दलित समाज है और पिछड़ा समाज है, वो कभी भी किसी भी वो आप अगर ऐसा होता कि खुलकर को लोग बोलता है तो उसका रिएक्शन भी नहीं करता है, लेकिन जहां वोट का होता है, जहां आप नीतीश कुमार जी का चेहरा रहता है, तिरछाप रहता है, एनडीए का जो रहता है उसके साथ दिखाया हुआ है। आज नीतीश कुमार जी का चेहरा आप बताइए ना, आपकी पार्टी में नंबर दो कौन है, नीतीश कुमार के बाद कौन है, हैं कोई नीतीश कुमार के बाद? दो की जरूरत कहाँ है जी, तो कहा नंबर दो, सदा बहार जो है वो है नीतीश कुमार। अच्छा, और वो जब तक है तब तक बिहार को मतलब बिहार की जनता तेरा मतलब जब तक सांस तब तक कुर्सी, मतलब जब तक सांस तब तक कुर्सी, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद, और वो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपकी पार्टी, आपकी पार्टी तीन नंबर की पार्टी क्यों हो गई 2020 में? अरे सर भगवान के जो है कृष्ण का भी जो है भांजा थे कृष्ण, लेकिन चक्र भी पार्टी मारे गए, लेकिन इतना चक्र भी नाचा गया को बोल ले लीजिए, देव जी भी बोलना चाह रहे हैं। इनको इनके पार्टी का स्थिति आज के दिन में यह है कि वहाँ पकड़मारी करके जाना और गंगा नहा के जाना एक ही बराबर है। मतलब देखिए कोई आप ये बताइए, जो चार सीट हम लोग जीते वो चार सीट क्या एनडीए ने कभी पिछले 25 साल 30 साल में चुनाव जीता था? लोडर और लीडर में फर्क है, मदन सहनी जी लोडर है। अच्छा, हमारे आदरणीय नेता सनोपला मुकेश सहनी लीडर है। हाँ, लोडर और लीडर में मदन सहनी जी हम एक लोकसभा बिहार के बिहार गए, आप लीडर हो गए। सुनिए ना, हमारा जो है हमारे नेता का सिद्धांत नहीं है कि हम भारत सरकार का मंत्री बने, बिहार सरकार का मंत्री। एक मिनट आप, हम निषाद समाज का जो झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को आरक्षण से जो वंचित किया गया, जो दिल्ली में, बंगाल में, उड़ीसा में निषाद समाज को आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण की लड़ाई हमारे आदरणीय नेता लड़ रहे हैं। अच्छा, हम तो आज भी कह रहे हैं कि ऐसा संघर्ष करने वाला नेता कोई नहीं होगा कि जिसको सत्ता से कोई मंत्री बनने से कोई लोभ नहीं है। उधर आज चार सीट के बदौलत आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार चली, बाद में हमारे विधायक को पैसा दे के, डरा के, खरीद के लेके भारतीय जनता पार्टी ले गया अपने साथ सीट में कि भाई ये तो आरक्षण की लड़ाई जो है लड़ने गया, लेकिन तो आगे भारतीय जनता पार्टी का औकात नहीं था नीतीश कुमार जी को बोलने पे। उत्तर प्रदेश में जदयू भी चुनाव लड़ी थी, आगे भाजपा के साथ नहीं गया। निषाद समाज के साथ जितना बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस धोखा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ ताकना भी पाप। एक मिनट, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला था इसी साल, याद है? उसके बाद से वो उधर चले गए थे, इनकी पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी उधर चले गए थे। अभी आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है लागू कर दिया तो चले जाएंगे ना उधर? आरक्षण नहीं तो गठबंधन। अगर निषाद समाज का आरक्षण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश के आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी अगर बैठ के इस पे बैठना चाहते हैं, एक सवाल हम ले लें। देखिए देवज्योति से, देखिए बहुत मतलब गर्मजोशी से मत बोलिएगा, ज्यादा दर्शकों को भी सुनने दीजिएगा कि आपके नेता बार बार कह रहे हैं कि मैं इंडिया ब्लॉक में हूँ। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि मेरे बड़े भाई हैं।
इन्हें बड़ा मौका प्रदान करेंगे। और आपके नेता कह रहे हैं मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, क्या तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि आपको डिप्टी सीएम डील हो गई है? जी बात हो गई अभी अंदर में। आलोक जी मुझे बात करनी है, अति पिछड़ा का बेटा अगर उप मुख्यमंत्री बनता है बिहार का जी, हर एक अति पिछड़ा समाज के जितने भी लोग हैं सबको नहीं, तेजस्वी यादव ने कह दिया है ना, तेजस्वी यादव जी तो कह चुके हैं कि हम एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम आएंगे लेंगे। नहीं तो इसका मतलब हो गया कि डिप्टी सीएम, अभी जो डिप्टी सीएम नहीं ना, आप अपने गठबंधन की बात कीजिए ना। हमारा तेजस्वी यादव ने कह दिया है मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, 100% मल्हा का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात पक्की हो गई है। 100% बनेगा। हाँ तो मल्हा का बेटा बनेगा, मुसलमान का भी बेटा बनेगा, मुसलमान का वो अलग चीज है। अच्छा हम उस पे नहीं कुछ करेंगे वो। चलिए तो देखिए देव ज्योति बड़ी बात करें लाइव स्ट्रीम पर कि तेजस्वी यादव से यह बात हो चुकी है कि मल्हा का बेटा यदि बिहार में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हुए तो मुकेश सहनी बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे। देखिए वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इसका खुलासा कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात इन्होंने कही है कि शराबबंदी की समीक्षा की जाएगी, जरूरत होगा तो शराबबंदी खत्म भी कर देंगे, इनके नेता कह रहे हैं। हम जी आते हैं वो जो चार सीटों की बात करते हैं जो आप लोग पहली बार जीते इनकी कृपा पर, वो आपकी सीट थी और उधर तो हो गया डिप्टी सीएम, तो कह रहे हैं कि बात उधर हो गई है। जो अपने आप को सन ऑफ मल्हा कहते हैं आप जानते करते हैं, सन ऑफ मल्हा जो खुद अपना नाम रखना हो तो कुछ भी रख लीजिए, कोई तो दिया नाम नहीं रह गई बात है ये चार सीट की। मैं बार बार वही कर रहा हूँ, ई सेट डिजाइनर से जो नेता बने इनका मकसद ही है ये बताइए, चुनाव तो हार गए थे उस समय, सिमरी बख्तियारपुर हार गए थे जी। आप कितने आपको आप कह रहे हैं कि हमको सत्ता का लोभ, अरे आप तो सत्ता का नाम नहीं रहता तो आपका जो तीन विधायक जो जीता चार उसको आप बनाते मंत्री, आप तो इतने सत्ता लग रहे कि निषाद समाज को ठगने का काम किया और खुद आप मंत्री बन गए जब आपको विधायक को बनाना चाहिए था। क्या स्थिति था, कहां ठगने का काम किया, क्या ठगने का काम किया, आपका एंड भी आप बता दीजिए जो वीआईपी का, हां अभी उधर वीआईपी का सदस्य रहा हो आपके साथ वो 5 साल 7 साल से संघर्ष रहा हो निषाद समाज का। नहीं नहीं राजेश जी, राजेश जी लेकिन राजेश जी, राजेश जी हम क्या ठगा, राजेश जी अपने आप को ठगा महसूस किया कहे कि ऐसे ये राजनीति का त्रिया चरित्र है कि जब नेता हार जाए, अभी अभी आपकी पार्टी ने आपके गठबंधन ने उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, उन्हें राज्यसभा भेज दिया क्योंकि आपको कुशवाहा वोट बैंक की राजनीति करनी है। आप जो ये अपने आप को निषाद समाज के बता रहे हैं क्या उस समय इनको नहीं, अरे अभी भी जो है छोटा रिचार्ज कौन कहा था, अरे आप लोगों ने ऑफर किया था कि विवेक ठाकुर की जगह पर राज्यसभा चले जाएंगे मुकेश, अरे पूछिए ये कि पहले तो चुनाव लड़ेंगे अगला बार कि नहीं लड़ेंगे, कि लड़ेंगे दो बार इतना हार गए हैं कि अब इतना डर गए हैं, कोई और नहीं कर पा रहे हैं दो बातें तो उन्होंने कह दी कि देखिए तेजस्वी यादव से बात हो गई कि डिप्टी सीएम बनेंगे, दूसरी बात इन्होंने कह दी कि यदि कंट्रोल रहा शासन में और सरकार में डिप्टी सीएम बने तो शराबबंदी नीति की समीक्षा होगी, जरूरत हुई तो शराबबंदी खत्म की जाएगी क्योंकि राजस्व का नुकसान हो रहा है। तीसरी बात देव ज्योति जी से जानने का प्रयास किया जाए कि कितनी सीटों की बात तेजस्वी यादव से हो चुकी है, ये हम लोग अभी तैयारी हो गई है, हम लोग कभी भी जो है सीट के लिए हम लोग मरते नहीं, पिछली बार 25 पिछली बार 25 पर था, 25 सीट और डिप्टी सीएम का था, सीट के लिए जो है मरते नहीं। इस बार भी जो हमारा गठबंधन हुआ आदरणीय तेजस्वी यादव जी से, गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के जो पुत्र हैं उनसे जो हम लोग का जो गठबंधन हुआ, हम लोग तो कोई सीट मांगे नहीं थे। अच्छा वो तो अपने से 3 सीट दे दी। अच्छा कभी भी उनसे, देखिए ये बड़ा भाई या छोटा भाई का एक
तो इस बार भी सीट नहीं मांगेगा। किस तरह से एनडीए तोड़ना, हाँ, इसको तोड़ देना चाहती है। अच्छा, दोनों भाइयों में कंफ्यूजन हो, ये दोनों में आज के दिन में लोकसभा लगा हुआ है, दोनों भाई साथ में लगा हुआ है, 100% विधानसभा रजिस्टर बनेंगे, दलेर ज्यादा नहीं है का अभी चुनाव करा देंगे, गठबंधन हो जाएगा, एक मिनट देख, चार सीटों पर इंडिया गठबंधन में है, चार सीट पर डिक्लेयर हुआ है, चार सीटों पर डिक्लेयर हुआ है उपचुनाव, उसमें से आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। देखिए, चार सीटों पर डिक्लेयर हुआ नहीं, 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 वो सिटिंग सीट है, नहीं वो तो देखिए इंडिया ब्लॉक की सिटिंग सीट है, ये क्यों दावा करेंगे, हाँ, प्रचार करने जाएंगे, 100% प्रचार करने जाएंगे, वीआईपी का ताकत भी दिखेगा, इस बार वीआईपी का ताकत भी दिखेगा, जेडीयू से वीआईपी है, ठीक है, और वीआईपी उस सूटकेस में कसा जाता है, उसके बाद वीआईपी कहीं नहीं खुलता है, तो आ जाओ तो आ जाओ, राजेश जी, राजेश जी एक बात कही जा रही है, आपने सूटकेस में आपने सूटकेस की बात कर दी, एक बात कही जा रही है, देखिए चलिए सूटकेस तो वजनदार होता है, लेकिन हमने दशहरे के दिन देखा गांधी मैदान में कि तीर और कमान भी नहीं उठा पा रहे हैं और संभाल पा रहे हैं नीतीश कुमार जी, सूटकेस उठा लेंगे, अरे उनको सूटकेस नहीं, बिहार की जनता का मनोकामना जो भी रहता है, आशा विलासा रहता है, उसका भार उठा करके वो पूरा कर रहे हैं। अच्छा, वो विकास पुरुष हैं, हाँ, वो काम करके दिखाते हैं, और आज भी जनता है, अभी कितना दिन हुआ लोकसभा का चुनाव हुए, आप देखे बिहार को, सब लोग क्या क्या कहता था जदयू के बारे में, नेता नीतीश कुमार जी के बारे में, लेकिन देखिए प्रूफ हुआ, तो ये आप जान लीजिए कि हमेशा जब भी हो काम के बदौलत आए हैं, और आगे भी 2025 में देखिए जो लोग भी हैं सबको याद कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री आलोक जी, एक सवाल लीजिए, एक सवाल लीजिए, शायद दोनों सहमत होंगे उस सवाल पर, पहले जेडीयू से ही सवाल लीजिए कि प्रशांत किशोर को कितनी बड़ी चुनौती मानता है जेडीयू, और फिर वीआईपी से पूछिए, मानते हैं आप चुनौती? देखिए प्रशांत किशोर एनडीए के लिए कोई चुनौती नहीं है, वो एक्चुअली है, वो राजद की बी टीम है, राजद की बी टीम है, और राजद द्वारा भी किया गया है, क्योंकि राजद ने, वो राजद को लिए भागना शुरू हुए, क्योंकि राजद को लगा कि लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को लगा कि नहीं, हम शुरू में चूंकि ये जदयू में रहे थे, निकाले गए थे जदयू से, बीजेपी का ये चुनाव देखे हैं, और जात का प्रभाव पड़ेगा, तो ये जाएंगे तो एनडीए का वोट, पिछले बार आपके हनुमान ही आपको खा गए थे, अभी समय है अपने नेता को कहिए कि कार्यकारी अध्यक्ष बना दे प्रशांत किशोर जी को, अरे प्रशांत किशोर, चलिए चलिए चलिए, आप लोग बात मानते हैं, राजेश जी बात शांत हो जाइए, मुकेश सोनी की चिंता करिए भाई, प्रशांत जी हमरा चिंता मत कीजिए, आप लोग पिछले बार ही रहिएगा, मुकेश सोनी का हमेशा जो है चलिए मुकेश सोनी का सवाल है, हम लोग का बाहर रखा गया, ठीक है ठीक है, अभी भी सवाल है, अभी भी सवाल है कि दुलाई बनेंगे, नहीं नहीं सवाल लीजिए ना, प्रशांत किशोर को ये कितनी बड़ी चुनौती, वो तो कह रहे हैं प्रशांत किशोर को मान रहे हैं आपकी, वो तो करेंगे, आपकी बी टीम है प्रशांत किशोर, आपकी अलायंस की बी टीम है, प्रशांत किशोर जी पहले जनता दल यूनाइटेड में गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, अभी भी बीच बीच में कभी कभी जाके आदरणीय नीतीश कुमार जी से मिलते हैं, ये भी सूचना है, ठीक, अच्छा, आज उनको था कि नीतीश कुमार जी ने कहा था जो हमने सुना जे, कि आप ही को उत्तराधिकारी बनाएंगे जदयू का, जदयू पार्टी में, नहीं ये 2018 में तो बात ही हुई थी, बता रहे हैं मेरे नहीं रहने के बाद जदयू को जो है जो तीर छाप है उस तीर छाप को जो है आपको आगे बढ़ाना है, लेकिन लास्ट मोमेंट में नीतीश कुमार जी ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया, क्या कारण है नहीं कारण है आप अलग अलग बात है, नहीं नहीं ये आप अपने मन गढ़ंत आरोप मत लगाइए, नहीं मेरा गलत नहीं, आप बताइए सामने जो बात, ये आपका मुकेश सहनी जी का बात, आप कैसे मन गढ़ंत आरोप लगा रहे थे, जिस समय हमारा चार विधायक नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे थे उस समय आपको बहुत अच्छा लग रहा था, सरकार का मजे ले रहे थे, सुनिए सुनिए, अभी तो एक एक क्यों नहीं आज बच्चा को विधायक नीतीश कुमार की चलिए बहुत हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, शांति, हमारे साथ सही मेहमान थे, हमारे साथ सही मेहमान थे, आप भी पहले उधर थे, अब इधर आ गए हैं तो इधर ही रहेंगे ना, उधर थे तब सोचिए ना कि निषाद आरक्षण का अनुशंसा आदरणीय नीतीश कुमार जी करते हैं 2020 में, शांति बहुत गर्मा गर्म बात हो गई है, शांति के साथ डिबेट देंगे,
बहस तो काफी गर्मा गर्मी हो गई। प्रशांत किशोर को कोई चुनौती नहीं मान रहा है, लेकिन किसकी वो बी टीम है, लेकिन मुकेश सहनी के बिना सरकार बननी नहीं है। ये मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, बनेंगे, शराबबंदी को खत्म करेंगे। आगे आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।